The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, आप सब देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन और उसके जो कारण है, यानी कि आर्थराइटिस, जिसमें के आपके पास कई सारे टाइप हैं. सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ सबको होता है. दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तीसरा गाउट, यानी कि यूरिक एसिड के वजह से आर्थराइटिस. और चौथा इन्फेक्शन के वजह से होने वाला आर्थराइटिस. आज से सबके बारे में बातचीत करेंगे. तो अगर किसी को जॉइंट पेन होता है और उम्र ज़्यादा है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंपोनेंट तो है ही. ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको होगा, ये जग जाहिर है. इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता. इसको टाल सकते हैं, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको पुश बैक किया जा सकता है अच्छी लाइफस्टाइल से, घुटने पे ज़्यादा जोर ना दे के, उल्टे सीधे पोस्चर में ना खड़े होके. सो दैट इज़ देयर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन ब्रेकडाउन एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, द कार्टिलेज. तो जॉइंट के आसपास टिश्यूज हैं, कार्टिलेज है, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, रिपीटेटिव ट्रॉमा, मोटापा, गलत पोस्चर एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इसके वजह से बेसिकली आपको हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस. 70% ऑफ द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज जेनेटिक. फादर को है, मदर को है, आपको भी होगा. आपके किसी को नहीं है तो आपको चांसेस कम है. 70% रिस्क इज दिस थिंग. बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीज सबको नहीं होती, किसी किसी को होती. खुद का इम्यून सिस्टम आप ही के आपके जॉइंट्स को डैमेज कर रहा है. इस केस में आपके इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट के आसपास का जो कवरिंग है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो टिश्यू है, जो कवर है, वहां पर इन्फ्लेमेशन करता है. तो क्या करेगा ये, बाहर से आपके जॉइंट्स को डैमेज करेगा, बोन और कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन करेगा. यहाँ पर ये जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं. इसके बारे में सिम्टम्स में हम बात करेंगे. और यहाँ पर एक HLA-DR4 करके जीन होती है. ये अगर आपके अंदर है तो 65% चांस है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा. और फीमेल में ज़्यादा कॉमन है. ये 3:1 का रेशियो है फीमेल में ज़्यादा, मेन में कम. और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ. ये एक और चीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जॉइंट अगर हिलता रहेगा तो आराम रहेगा, रुकेगा तो फिर जाम हो जाएगा. दैट इज़ अ वेरी वेरी टिपिकल काइंड ऑफ अ थिंग इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो क्या हो, अर्जेंट? नहीं, मैं नहीं खाऊ. पिज्ज़ा लेकर आया? नहीं, मैं नहीं खाऊ. एनीवेज, क्रोनिक फीमेल, सॉरी. सो ये हुआ चाइल्ड बेरिंग एज में. उसके बाद गाउट क्या होता है? गाउट मतलब इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस. गाउट यानी इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है. ये भी यहां पर देखो, ऑटो इम्यून डिजीज में भी इंफ्लामेशन हो रहा है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ रिपेयर नहीं हो पा रहा, डैमेज होता जा रहा है. और यहाँ पर गाउट ही आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून नहीं है लेकिन इन्फ्लामेशन. ऑटो इम्यून नहीं है, इन्फ्लामेशन है. ये इन्फ्लामेशन है बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड. तो ये सबसे आसान है इसको प्रिवेंट करना. यूरिक एसिड लेवल्स, क्रिस्टल्स आपके जॉइंट में डिपॉजिट हो रहे हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, खरखराहट, और वहाँ पर जाकर जॉइंट डैमेज हो रहा है. तो यू सबसे कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है ये मेन के अंदर, यूरिक एसिड वाला. इसका कारण होता है आपका मोटापा, आपकी दारू, डाइट्री प्यूरिन्स, रीनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सारे रिस्क हैं. दारू सबसे बड़ा रिस्क, मोटापा नंबर दो. उसके आखिरी में आता है सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी इन्फेक्शन वाला आर्थराइटिस. इन्फेक्शन वाला आर्थराइटिस बेसिकली बैक्टीरिया या कुछ आपके जॉइंट के अंदर चला गया, उसके वजह से जॉइंट, मतलब उम्र है ज़्यादा है, स्किन इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है, या आईवी ड्रग यूज़ के वजह से ज़्यादा होती है, उसमें घुस गया तो जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्टिक आर्थराइटिस. तब में डिफरेंस क्या है, सेप्टिक आर्थराइटिस में एकदम से जॉइंट पेन शुरू होगा, एकदम स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसा लगेगा चोट मारी किसी ने, पर चोट है नहीं. सो दैट इज़ लाइक
इन्फेक्शन, इन्फेक्शन साइंस फीवर रह सकता है लेकिन 57% केसेस में, बाकी सब में नहीं रहेगा। गाउट में आपको एपिसोडिक पेन होगा, 24 घंटे तक बीच बीच में आएगा, और 90% एक ही जॉइंट में हो सकता है, 50% केसेस में मल्टीपल जॉइंट्स हो सकते हैं, और कई बार अगर वहाँ पे दारू पी रहे हो आप, ये सब चीज़ रहे हो, तो एकदम से बढ़ सकता है। तो प्रेसिपिटेशन पॉइंट भी होते हैं गाउट में, और रिकरेंट अटैक होते हैं साल भर के अंदर अंदर गाउट में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठे क्योंकि सोए पड़े थे तो हाथ चल, पैर चल नहीं रहे, हाथ चल नहीं रहे, और जैसे 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 चलने फिरे शुरू, थोड़ी देर में शुरू हुए, फिर एक्टिविटी से बेटर होते गए, बेटर होते गए, बेटर होते गए। स्वेलिंग होती है इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट, तीन से ज़्यादा जॉइंट्स में, और हैंड्स के जॉइंट, छोटे छोटे जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और इसमें बाकी फीचर्स भी होते हैं शरीर के जॉइंट्स को छोड़ के। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है आपके खून को, आपके चमड़ी के नीचे नोड्यूल्स बना सकता है, खून की वेसल्स को, लंग्स को, स्प्लीन को, लंग के कवरिंग को, प्लूरा को, खून में एनीमिया, ऐसी चीज़ें भी कर सकता है। बाकी टाइप के जॉइंट्स वो ऐसी चीज़ें नहीं, बाकी टाइप के आर्थराइटिस नहीं करेंगे। और सबसे कॉमन वाले ऑस्टियो आर्थराइटिस में सिर्फ ही रिकवरी नहीं हो रही है, तो पेन जो है वर्स वर्स वर्स, चलने फिरने से पेन बढ़ेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस, चलने फिरने से पेन हो बढ़ रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, चलने फिरने से आराम हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। और यूरिक एसिड के लिए तो यूरिक एसिड की जांच कर ही सकते हो, वो ज़्यादा ही नहीं है तो फिर है ही नहीं, सिंपल सा फंडा है। सो और जॉइंट में क्रिपिटस, आवाज़ आनी, वो टक होना नहीं, टक नहीं, डर, उसमें कर 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 आवाज आएगी, आप हाथ रख के देखोगे ना। सो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। डिफॉर्मिटी हो सकती है, जॉइंट टेढ़ा वेढ़ा हो सकता है, हिलना बंद कर सकता है कि जॉइंट हिल ना, पैर सीधा सीधा ऐसे ऐसे चलने, जॉइंट पूरा का पूरा वही चेंज हो जाता है। सो दैट इज देयर, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में अगर आप जॉइंट में से पानी निकालोगे, जॉइंट में से पानी निकाल के देखते हैं, तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड निकलता है, येलो या क्लियर येलो कलर का, उसमें WBCs जो होते हैं 1500 mm पर क्यूबिक mm से कम होते हैं। जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पानी निकालेंगे तब वहाँ पे टर्बिड कलर का, टर्बिड यानी गाढ़ा येलो कलर का पानी निकलेगा, और उसमें WBCs ज़्यादा होंगे, यहाँ 1500 है वहाँ 50,000 तक हो सकते हैं, 50,000 से कम होंगे। और यही वाला जब हम यूरिक एसिड वाले में निकालते हैं तो ये 50,000 से ज़्यादा निकलेंगे, 50,000 से ज़्यादा WBCs, यानी वहाँ इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगा, क्रिस्टल्स भी दिखेंगे वहाँ पर यूरिक एसिड के। और अगर इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में हम निकालेंगे तो वो 1,00,000 से ज़्यादा भी रह सकता है, 50,000 से ज़्यादा भी रह सकता है। सो दैट इज़ अ डायग्नो, 1,00,000 से ज़्यादा रहा तो भाई वो इन्फेक्टिव है और कुछ नहीं हो सकता, 50,000 से ज़्यादा WBCs हैं जॉइंट फ्लूइड में तो वो यूरिक एसिड हो सकता है या सेप्टिक हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में RA फैक्टर पॉजिटिव आएगा 85% केसेस में, और 75% केसेस में NTCCP एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा, 95% जो कि स्पेसिफिसिटी होती है उसकी। और यूरिक एसिड केसेस में यूरिक एसिड हाई आएगा, बहुत कॉमन गाउट वाले केसेस में ज़्यादातर लोगों का 9 mg/dL से ज़्यादा आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल कर दें तो बहुत आसान हो जाता है। एक और चीज़ बहुत इशू है, यूरिक एसिड लेवल कई बार जब अटैक हो रहा होता है तब नॉर्मल होता है, बाद में ज़्यादा हो जाता है, ये भी चीज़ देखी गई यूरिक एसिड में। और डब्लू जो सेप्टिक आर्थराइटिस है उसमें आपके ब्लड में CBC में गड़बड़ आएगी, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स ESR CRP वो बढ़ जाएंगे, आपके WBC काउंट्स बढ़ जाएंगे, सीधा सीधा इन्फेक्शन का पिक्चर आपको दिख जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरे में जब एक्सरे करते हैं हम आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो उसमें आपके हड्डी के ऊपर ना छोटे 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 ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे कि हड्डी जो है कोशिश तो कर रही है हील होने का, ग्रो करने का, पर उसको पता नहीं कहीं भी सींग निकालते जा रही है वो इस ऑस्टियोफाइट। और सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस नाम की चीज़ देखी जाती है, सिस्ट भी दिख सकते हैं अंदर ही अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, आप दो ही चीज़ें याद रहे, जॉइंट स्पेस नैरो और बीच बीच में ऑस्टियोफाइट्स। और जहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब एक्सरे करते हैं तो उसमें जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, इरोजन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, सॉफ्ट टिश्यू में, पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग आएगी, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ये यूरिक एसिड वाले में भी दिख सकती है, बाकी नहीं तो यूरिक एसिड में बाकी चीज़ें ठीक होती है। उसके अलावा
ये एक्सरेज यूरिक एसिड और इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में आपको ठीक दिखेंगे सिवाय सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग की। तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूरिक एसिड और सेप्टिक आर्थराइटिस तीनों में दिखेंगे, लेकिन मार्जिनल ऑस्टियोफाइट जहां दिखे वो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप चेंजेस हैं, चाहे वो घुटने में दिखे या किसी भी जॉइंट में दिखे। तो ये पूरा ब्यौरा आपको दे दिया, आपसे ज़्यादा ब्यौरा ना मिलेगा कभी आपको। इसको शेयर करो और बहुत ज़रूरी इसको लाइक सब्सक्राइब करो। जितने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है प्रिवेंटेबल समझ में आनी चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है, इससे आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।